पावर पैक्ट तूफानी वाला रिवीजन, एकदम तूफानी रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल दे टू कमन रेडी? यूट्यूब ने नोटिफिकेशन भेजा नहीं है क्योंकि आप लोग बेल दबा कर नहीं रखते या फिर एक दिन में हम लोग का बहुत सारा सेशन हो रहा है अभी जैसा कि आप जानते हैं जबरदस्त रिविजन सीरीज चल रहा है एक दिन के अंदर एमईपीएल में रिविजन क्लासेस पता है फाउंडेशन इंटर मिलाकर के कितना हो रहा है एक दिन में आ, एक दिन में आपका मैं आपको गिनाता हूँ फाउंडेशन का दो रिविजन हुआ इंटर वाले बच्चों का कॉस्ट का रिविजन हुआ टैक्स का रिविजन हुआ एस एम का रिविजन हुआ और अभी हो रहा है लॉ का रिविजन मतलब एक दिन में फाउंडेशन ला करके छह से सात रिविजन क्लास हो रहे हैं अलग अलग चैनल पर मेरा रिविजन मोहित अग्रवाल चैनल पर आता है बाद चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके रखिए वहां पर बाद रिविजन जो है आपको मिलेगा जी हाँ और आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है भाई क्या है वो अनाउंसमेंट आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ये हुआ है आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यह हुआ है कि एम ई पी एल इज टर्निंग इलेवन ईयर्स ओल्ड जी हां एम ईपीएल का इलेवेंथ बर्थडे आ रहा है इसलिए हम लोग अपने क्लासेस पर अभी तक का अभी तक का हाईएस्ट डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो जिन्होंने अभी तक क्लासेस अवेल नहीं किया है फटाफट क्लासेस को अवेल कर लीजिए ठीक है यह हो गया प्रमोशन बोल लो एडवर्टीजमेंट बोलो मार्केटिंग बोल लो जो बोलना है बोल लो अब अपने चालू करते हैं पढ़ाई लिखाई चलिए जाइए दोस्तों जोर शोर से पढ़ाई लिखाई करेंगे नोट जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा सी एंटर टेलीग्राम ग्रुप अलग है सीएमए एंटर टेलीग्राम ग्रुप अलग है सीएस एग्जीक्यूटिव का भी टेलीग्राम ग्रुप अलग है तो अलग अलग जो टेलीग्राम ग्रुप है कृपया करके उसको ज्वाइन कर ले लिंक जो है हमारे मॉडरेटर साहब पिन कर रखे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और दी मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन इन एग्जाम ठीक है इट इज दी मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन इन एग्जाम और वो है हाउ डू भी इन कॉर्पोरेट कंपनी स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी सुन लो भाई स्टेप्स टू इकॉर्पोरेट कंपनी मैं आपको बता दू चाहे वन पर्सन कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो आई रिपीट चाहे ओपीसी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे सेक्शन एट कंपनी हो चाहे सेक्टोरल कंपनी हो सेक्टोरल कंपनी मतलब बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो एक सेक्टर को बिलोंग करता है तो वेदर इट बी ओपीसी और प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी और सेक्शन एट कंपनी और निधि और सेक्टोरल कंपनी स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी आर ऑल सेम स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी आर ऑल सेम ठीक है क्या क्या स्टेप्स है ध्यान से सुनो सबसे पहले एक फॉर्म आता है बेटा वेब बेस्ड फॉर्म है ये ठीक है रेगुलर बैच में तो रेगुलर बैच में सारे फॉर्म्स जो है खोल करके दिखाई जाता है स्टूडेंट को पता है कि मोहित सर जो है ना एक एक फॉर्म जो है खोल करके दिखाते हैं चलो आ अभी आ जाओ अभी रिवीजन चल रहा है मैं बता दूं रेगुलर बैच अलग है फास्ट रैक बैच अलग है और ये रिवीजन अलग है तो अभी ये रिवीजन चल रहा है भाई ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ भाई ध्यान लगाओ सो फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सबमिट

नेम ठीक है? फिर जो पार्ट बी ऑफ स्पाइस प्लस एनसी थर्टी टू है ना पार्ट बी ऑफिस प्लस एनसी थर्टी टू आपको जमा करने के लिए ट्वेंटी डेज मिलता है मतलब जिस दिन आपने पार्ट ए जमा कर दिया नाम रिजर्वेशन करा लिया पार्ट ए में पहले रन के जरिए होता था अब नया कंपनी का नया कंपनी का जो नाम है रन के जरिए नहीं होता तो जिन लोग रन पढ़ रखा है अमेंडमेंट आए हुए साल भर हो गया है क्या कर रहे हो भाई सुधर जाओ भाई रिजर्व यूनिक नेम रन वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं ना रिजर्व यूनिक नेम वो साल पहले होता था अमेंडमेंट आए हुए काफी समय हो चुका है अब जो है रन नए कंपनी के लिए नहीं है रिजर्व यूनिक नेम से नया कंपनी अपना नाम रिजर्व नहीं कर सकता रन सर्विस से नया कंपनी अपना नाम रिजर्व नहीं कर सकता उसको स्पाइस प्लस का पार्ट ए ही जमा करना पड़ेगा नेम रिजर्वेशन के लिए

पे अप्लाई करना पड़ता था पैन के लिए टेन के लिए अब सब सिंगल विंडो क्लियर हो गया बिकॉज ऑफ ऑफ ईज डूइंग बिजनेस मोदी जी ने सिंगल विंडो क्लियरेंस कर दिया तो स्पाइस प्लस का पार्ट बी में पांच कम है बताओ क्या पांच काम होने वाला है रिजर्व नहीं में रहेगा एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पैन टेन मैक्सिमम तीन दिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर तुम किसी को डायरेक्ट बना रहे हो और उसके पास डिन नहीं है तो डायरेक्ट बन नहीं सकता भाई डायरेक्टर बनने के लिए डिन होना जरूरी है डायरेक्टर नंबर देखो तुम जिस बंदे को डायरेक्टर बना रहे हो तुम जिस बंदे को डायरेक्ट बना रहे हो अगर उसके पास पहले से ही डिन है डायरेक्टर्स एनडीफन नंबर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन अगर तुम ऐसे बंदों को डायरेक्टर बना रहे हो अपने कंपनी का जिनके पास डेन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तुम स्पाइस प्लस 32 में में पार्ट बी मैक्सिमम तीन दिन के लिए अप्लाई कर सकते हो तो यू कैन अपॉइंट मैक्सिमम थ्री सच पर्सन एज डायरेक्टर्स विदाउट डेन बाई मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर डेन इन स्पाइस प्लस एनसी थर्टी का पार्ट बी सर मैम क्या बोले मैक्सिमम तीन दिन तुम अप्लाई यहां पर कर सकते हो <coughs> सर मान लीजिए हम लोग पांच डायरेक्टर रखना चाहते हैं पांच डायरेक्टर रखना चाहते हो पांचों के पास डिन नहीं है तब तुम नहीं रख सकते भाई पांच, पांचों के पास अगर डिन नहीं है ना तो यहां तो तुम तीन ही डायरेक्टर सकते हो ना तो तुम शुरू में तीन ही डायरेक्टर को रखो जिनके पास नहीं है ताकि पर तीन अप्लाई कर सको फिर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद वंस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड तुमको पांच डायरेक्टर रखना था तुम तीन ही डिन के लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ तो एक बार तीन ही डायरेक्टर को फिर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए उसके बाद रिमेनिंग दो डायरेक्टर लोग को जो डिन के लिए अप्लाई करना है रिमेनिंग जो दो बंदे हैं जिनको तुम डायरेक्टर बनाना चाहते हो वो अलग से डिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं डीआईर थ्री फॉर्म उसका डीआईआर थ्री में डिन के लिए अप्लाई किया जा सकता है टू बिकम डायरेक्टर ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी आई रिपीट अगर आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं और आपके पास डिन नहीं है मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल वो तो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो तेरे को डायरेक्टर बनाना चाहता है वाओ आरआईएल तुमको डायरेक्टर बनाना चाहता है और तुम्हारे पास डिन नहीं है तो तुम डिन के लिए अप्लाई करोगे फॉर्म नंबर कौन सा डी आई आर थ्री फॉर्म नंबर डी आई आर थ्री इज डिन एप्लीकेशन फॉर्म टू बिकम डायरेक्टर ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी और नया कंपनी में नया कंपनी में तो है ना ये बताया ना मैंने नया कंपनी में स्पाइस प्लस एनसी थर्टी टू का पार्ट भी हाँ नया कंपनी में स्पाइस प्लस एनसी थर्टी टू का पार्ट भी में तुम डिन के लिए अप्लाई कर सकते हो बट मैक्सिमम तीन ही डिन अप्लाई हो सकता है यहां पर तो अगर मान लो मैं एक नया कंपनी खोल रहा हूं पांच लोगों को डायरेक्टर बनाना चाहता हूं और वो पांचों के पास डिन नहीं है तो भैया शुरू में तो तुम तीन ही डायरेक्टर लोग को बना सकोगे

बट इफ मोर देन सेवन सब्सक्राइबर तब आपको फिजिकली बनाना पड़ेगा मोर देन है, तो फिजिकली बनाना पड़ेगा रे बाबा। करके 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 करना पड़ेगा। <coughs> ठीक है एमओए का क्या था? थ्री एओ का क्या था फोर अभी हम लोग बात हैं अजाइल प्रो आई एनसी थर्टी फाइव अजाइल प्रो पता क्या है जैसे दूध के शक्तियों को बॉर्नविटा या कॉम्प्लेन बढ़ाता है वैसे ही स्पाइस थर्टी टू को और शक्तिशाली बनाता है और उसके शक्तियों को बढ़ाता है अजाइल प्रो सो एनसी थर्टी टू के साथ अजाइल प्रो फॉर मेरे अजाइल प्रो आई थर्टी फाइव इसमें पांच काम होगा इसमें पांच काम क्या क्या होगा तुम जीएसटी एन अप्लाई कर सकते हो जीएसटी नंबर सुने हो ना जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो बताओ यार और क्या चाहिए जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो गर्म पानी जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो ईपीएफओ इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन नंबर अरे पीएफ का रजिस्ट्रेशन नंबर ईएसआई का रजिस्ट्रेशन नंबर बैंक अकाउंट भी खोलोगे ना कंपनी हो ना यहीं पर इसी फॉर्म में बैंक अकाउंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो एंड पी टैक्स का रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन पांच काम बताओ जीएसटी का एप्लीकेशन ईपीएफओ यानी इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन ई एस आई इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का रजिस्ट्रेशन एक हो गया जीएसटी आई एग्जियाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन एक हो गया इंप्लॉज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन एक हो गया, गया ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट और एक हो गया टैक्स का का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन याद रखना मैंडेटरी रहता है कर्नाटक एंड महाराष्ट्र के लिए रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर कर्नाटक एंड महाराष्ट्र ये पांच काम आपका अजाइल प्रो एनसी थर्टी फाइव कर देगा मैं बोलता हूं भारत रत्न मिलना चाहिए ठीक है जिसने अजाइल प्रो का शॉर्ट फॉर्म निकाला अजाइल प्रो एक शॉर्ट फॉर्म है इसका फुल फॉर्म क्या है इसका फुल फॉर्म है ये ये देखो अजाइल प्रो का फुल फॉर्म है ये बेटा एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी आई एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी आई ठीक है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्लस

फिर इसे क्या है वही इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन एंड फिर प्रो क्या है पी से प्रोफेशनल टैक्स आर से रजिस्ट्रेशन एंड ओ से ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट राइट दो आपको फॉर्म अटैच यहां पर करना पड़ेगा दोस्तों यहां पर आपको दो फॉर्म अटैच करना पड़ेगा दोस्तों

Inc. Eight attach declaration in form number Inc. Eight. Who will declare? Karega? Inc. Eight. Who will declare? CA, CA, CMN practice. Or advocate mentioning that the company is being incorporated by complying the act and rules. Yoga Inc. Eight declaration form. Then Inc. Nine attach declaration in form number Inc. Nine. Inc. Nine is a declaration by all the subscribers and the first directors of the company. All the subscribers and the first directors of the company will have to declare in form number Inc. Nine. कि उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, है, ठीक क्या था आईएनसी एट था डिक्लेरेशन बाई सी एस प्रैक्टिस एंड एडवोकेट ठीक है सीएससीएस एडवोकेट कि हम लोग कंपनी खोल रहे हैं और रूल्स को फॉलो करके कंपनी खोल रहे हैं और रूल्स को फॉलो करके ये डिक्लेरेशन आईएनसी एट में प्रैक्टिस या फिर एडवोकेट देखो आईएनसी एन में सब्सक्राइबर्स डिक्लेयर और uh, फ्रॉड रिलेटेड टू प्रमोशन फॉर्मेशन ऑफ द लास्ट फाइवी टेन हट चुका मतलब हो गया सिलेबस से नहीं लॉ से डिलीट हो गया एनसी टेन सब कुछ अगर सही रहा तो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर सीआरसी सब कुछ अगर सही रहा तो सीआरसी सेंट्र रजिस्ट्रेशन सेंटर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखा में सर्टिफिकेट ऑफ इन कॉर्पोरेशन विल शोड इन फॉर्म नंबर आईसी इलेवन

थर्टी डेज के अंदर इनकॉर्पोरेशन से थर्टी डेज के अंदर आएनसी ट्वेंटी टू जमा करना पड़ेगा आरओसी को इनफॉर्मिंग द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी लेकिन याद रखना जो स्पाइस प्लस वेब फॉर्म था उसमें जो एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस भरा था कंपनी ने स्पाइस प्लस वेब फॉर्म में एड्रेस फॉर भरना पड़ता है अगर उसी एड्रेस पर रजिस्टर ऑफिस है तो एनसी ट्वेंटी टू जमा करना दरकार नहीं है है कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है डिफरेंट पॉइंट्स है वो भी यहां पर सलटा दो ओबीसी के केस में क्या होता है

ठीक एमओ ए का फॉर्म नंबर एनसी तेरह जो यहां पर एनसी एट था वो सेक्शन एट कंपनी में एनसी चौदह है, है और जो वहां पर एनसी नाइन था डिक्लेरेशन बाई फर्स्ट सब्सक्राइबर्स दे फर्स्ट डायरेक्टर्स की कोई उन्होंने फ्रॉड वगैरह नहीं किया चुप हो जाइए का इनका फॉर्म नंबर एनसी है जो आईनसी एट था वो इनके लिए आईनसी चौदह है जो एनसी नाइन था एनसी पंद्रह है सेक्टोरल कंपनी यानी बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी, कंपनी इलेक्ट्रिसिटी फंड जो पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करता है तो जो सेक्टर का रेगुलेटर करना पड़ता है no attach जैसे लो मैं खोलेगा, तो सेक्टर का रेगुलेटर कौन है सेबी मेरे को सेबी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और अटैच करना पड़ेगा एनसी के साथ अटैच एनओसी रिसीव फ्रॉम सेक्टोरल रेगुलेटर फाइलिंग फीस याद रखने का दरकार ऑप्शनल है ठीक है दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अभी लाइक बटन ठोक दो अगर पसंद आया इतना स्मूथली मैंने तुम्हें स्टेप्स टू तो इनकॉर्पोरेट द तो कंपनी फटाफट पूरा दिमाग में बिठा दिया अभी कभी लाइक बटन ठोक करके बता दो भाई क्लियर है ना <clears throat> All good.

आज का टारगेट है फटाफट एकदम सेक्शन नंबर थ्री से करते चलेंगे कमन का इस आ जाइए सेक्शन नंबर थ्री से पावर पैक डिविजन स्टार्ट हो रहा है मैं यहां पर खाली एक मिनट लूंगा एक मिनट जस्ट जस्ट टू लुक एट द कमेंट्स। मानसी सिंह अब रेटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल सही <coughs> uh, एक बच्चा लास्ट टर्म का आया है ये बताने के लिए आप लोगों को कि सेशन देख लो मैंने भी लास्ट टर्म में ये सर के सारे सेशन देख करके पास किए शिवाय गर्ग बोल द बेस्ट जस्ट लीव द रेस्ट थैंक यू शिवाय रोज शाम नौ को आकर के पढ़ाते हैं सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस दिलाते हैं ये वो ही सर हैं जो हमें लॉ पढ़ाते हैं वाह सो योर टीचिंग सेल इज ऑसम थैंक थैंक यू ईस्ट वेस्ट ऑसमीज सर ट्रीट ट्रीट ही तो है भाई अपने फ्रेंड्स को बोलो और खुद भी जैसे अब तुम मान लो स्किल एनहांसमेंट कोर्स नहीं ले रखे हो तो ले लो वेलिडिटी दो साल का है कभी भी देख लेना बट इस प्राइस पर क्लास फिर कभी नहीं मिलेगा खाली स्किल एनहसमेंट कोर्स नहीं हर कोर्स हर लेवल का हर कोर्स हर सब्जेक्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो या कॉम्बोज हो हाइएस्ट पॉसिबल डिस्काउंट टिल डेट चल रहा है सर लास्ट चैप्टर का नोट्स लास्ट चैप्टर का नोट्स तो मिल चुका है यार मिल चुका बिल्कुल मिल चुका है यार कम ऑन यार कम ऑन कम ऑन मैंने कुछ मोटिवेशन वीडियोस के शॉर्ट्स भी बना रखे हैं इस वीडियो के बाद देख लेना बहुत कम आएगा और नोटिफिकेशन गया है कि नहीं गया मेरे को नहीं पता मैंने सीए के लिए अलग रूटीन बनाया सीएस के लिए अलग रूटीन बनाया सीएमए के लिए अलग रूटीन बनाया भाई ओ भाई रूटीन जाकर के चेक कर लेना कैसे पढ़ना है सर बहुत मजा आता है सर आपसे पढ़ करके अरे मेरे को तुमसे ज्यादा मजा आता है तुमको पढ़ा करके सच बता रहे हैं चलो आ जाओ चलो लेट अस हियर सेक्शन नंबर थ्री

रूल थ्री वन पर्सन कंपनी का जो एम ए बनेगा एमओ ऑफ ओपीसी शेल कंटेन द नेम ऑफ नॉमिनी एमओ ए ऑफ ओपीसी शेल कंटेन द नेम ऑफ नॉमिनी शेल कंटेन नॉमिनीज नेम है ना वो इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर और लुनियसी ऑफ द सब्सक्राइबर दैट नॉमिनी विल बिकम द मेंबर तो भाई नॉमिनी का नाम पहले से बता करके कर रखो एमओ के अंदर कि अगर मेंबर आ गया तो नॉमिनी क्या बन जाएगा मेंबर बन जाएगा अच्छा नॉमिनी का कंसेंट मैंने अभी भी बताया था थोड़े पहले फॉर्म फॉर्म नंबर नंबर होता है है ना कौन सा होता है बताओ नॉमिनी का कंसेंट फॉर्म नंबर कौन सा होता है आई मैं बता दूं आपको <coughs> प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नॉमिनी एज पर कंपनीज रूल्स <coughs> प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नॉमिनी एज पर कंपनीज रूल्स देख लो भाई प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नॉमिनी एज पर कंपनीज रूल्स क्या क्या केस में नॉमिनी का नाम चेंज करना पड़ेगा <Malaysian> या तो मेंबर जो है नॉमिनी का नाम चेंज करना चाहता है मेंबर वांट्स टू चेंज द नॉमिनी अरे भाई मान लो से फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी बीवी को नॉमिनी बनाया था ठीक है मैंने अपनी बीवी को मैंने कंपनी खोला मैं मेंबर बना और मेरी बीवी नॉमिनी बनी अब भाई जीवन भर क्या सेम रहेगा क्या नॉमिनी हाँ मान लो मेरा मन कर गया चेंज करने का तो अगर मेरा मन कर गया चेंज करने का तो मैं चेंज करूंगा भाई नॉमिनी हाँ नॉमिनी बेशर्म मारेंगे बड़ा पकड़ करके और क्या सोचे जन्म का रिश्ता है नॉमिनी चेंज कर रहे हैं <coughs> तो भाई मान लो मैं नॉमिनी चेंज करना चाहता हूं तो नॉमिनी मैं चेंज नहीं कर सकता बिल्कुल कर सकता हूं या नॉमिनी जो है ना उसने रिटर्न नोटिस दे दिया तो नॉमिनी जो है ना वो मेंबर बन गया क्योंकि मेंबर बन गया अगर नॉमिनी मेंबर बन गया तो नॉमिनी का जगह तो खाली हो गया ना नॉमिनी मेंबर बन गया

ये सब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है आज पहली बार कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे मेरे बच्चे तो रिविजन कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे जान रहे होंगे पहली बार <coughs> 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 अच्छा मैं बता दू चाहे मेंबर हो चाहे नॉमिनी हो दोनों बोथ मेंबर बेटा बोथ मेंबर एंड नॉमिनी नेचुरल पर्सन होना चाहिए नेचुरल ब्यूटी नहीं नेचुरल पर्सन नेचुरल पर्सन मतलब पर्सन नेचुरल पर्सन

जो पिछला फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन रहा है उसको रेसिडेंट इन इंडिया बोलते हैं हालांकि अब मैं ये भी बता दूं अमेंडमेंट के बाद इन इंडिया होना जरूरी नहीं है खाली नेचुरल पर्सन होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए मे और मे नॉट बी रेसिडेंट इन इंडिया कृपया करके ग्रीन टी का बंदोबस्त कर दीजिए कितना देर पहले बोले थे ऐसे अत्याचार किया जाता है ग्रीन टी का भी बंदोबस्त नहीं किया जाता नरेश भाई साहब आपके लिए कुछ

क्या ऐसा हो सकता है हम एक जगह ओबीसी में मेंबर में बन गए एक जगह ओबीसी में नॉमिनी बन गए ऐसा हो सकता है अब लेकिन मान लो हम एक ओबीसी में मेंबर और दूसरे ओबीसी में नॉमिनी बन गए और जहां पर हम नॉमिनी थे ना वहां का मेंबर सलट गया मर गया तो बिकॉज आई वॉज ओवर में तो ऑलरेडी हम एक ओबीसी में मेंबर थे दूसरा में नॉमिनी रह रह हाँ थे लेकिन वहां का मेंबर बनने के कारण हम वहां पर मेंबर हो गए तब तो दो ओपीसी हो गया तो मेरे को वन एटी टू डेज मिलेगा सेलेक्ट करने के लिए कोई एक ओबीसी जिसमें मेरे को एज अ मेंबर कंटिन्यू करना है क्लियर है सर क्लियर है सर मक्खन की तरह क्लियर है

ओपीसी पहला दो साल बाद का दो साल मतलब अब दो साल वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है पहला था कि वॉलट्री कन्वर्जन इंटू प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी नॉट अलाउड फॉर द फर्स्ट अब ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है वो आराम से कन्वर्ट हो सकता है जब चाहे प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में और एक चीज था कंपलसी कन्वर्जन कि अगर ओपीसी का पेड अप शेयर कैपिटल पचास लाख क्रॉस कर जाता है या एवरेज दो करोड़ क्रॉस कर जाता है उसको कंपलसरी कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में अब कंपल्सरी कन्वर्जन भी हट गया ऐसा कुछ नहीं है तो जो नहीं है सर मत बताइए बताना जरूरी है नहीं तो कुछ बच्चे यही पढ़ पढ़कर बैठे होंगे सब हट चुका है

रिस्टोर बैक कर लो टू द मिनिमम लेवल ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड मतलब प्राइवेट में दो से कम हो गया तो दो कर ले पब्लिक में सात से कम हो गया तो सात मेंबर कर ले छह महीना का टाइम दे रहे या फिर वाइंड अप कर दो लेकिन अगर छह महीना के बाद भी कंपनी कंटिन्यू कर रहा है दो से कम सात से कम इन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी रिस्पेक्टिवली छ महीने के बाद भी कंटिन्यू कर रहा है तो छह महीने के, के बाद जितने भी नए लाइबिलिटीज पैदा होंगे छह महीना के बाद जितने भी नए लाइबिलिटी पैदा होंगे Remaining members who are aware of the fact shall be personally liable. Remaining members who are aware of the fact shall be personally liable for the liabilities contracted, contracted after six months. So, English means section 3a. Kya bolta hai? If at any time number of members in private company fall below 2 or public company fall below 7 and they continue to do the business for more than six months with the reduced number of members, then the reduced number of members who are aware of the fact shall be personally liable for all the liabilities contracted after six months. Clear, sir. सा so, this was section number three. Section four क्या है? क्या होता है चार्टर ऑफ द कंपनी होता है ठीक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चार्टर चार्टर यानी कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट संवैधानिक डॉक्यूमेंट सो एमओ इज अ चार्टर यानी कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट

जाओ बेटा फटाफट आ जाओ सेक्शन नंबर एट चैरिटेबल कंपनी के अंदर सेक्शन नंबर एट चैरिटेबल कंपनी वीडियो को अभी तक बिना लाइक किए देख रहे हो तो पाप लगेगा पाप बेशर्मो इतना मेहनत किया जाता है यार लाइक बटन तो ठोक दो सुबह से लेकर रात तक रेगुलर बैच और रात में तुम्हारे लिए मैं आकर के रिवीजन कराता हूं लाइक बटन अभी ठोक दो

सेक्शन एट कंपनी कोई मतलब इसको अलग से कुछ ऑब्लीगेशन uh, नहीं फॉलो करना है सेक्शन एट कंपनी सब्जेक्ट टू सेम ऑब्लिगेशन यानी कम्प्लायसेज एंड सेम प्रलेज लाइक अ लिमिटेड कंपनी जैसे एक लिमिटेड कंपनी को ऑब्लिगेशन प्रिविलजेस है वैसे ही सेक्शन एट कंपनी को भी है फर्म और एल क्या सेक्शन क्याट कंपनी का मेंबर बन सकता है जी हाँ फर्म और एल जो है इट मे बिकम मेंबर ऑफ सेक्शन एट कंपनी अलाउड है फर्म और एल एल पी कैन बिकम मेंबर ऑफ सेक्शन एट कंपनी अच्छा एक एक्जिस्टिंग कंपनी मान लो MEP, यहल, अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो क्या आपने आपको हम लोग को याद रखना रीजनल डायरेक्टर ठीक है यहाँ पर सीजी कौन है आर सर अभी आप बता थे सीजी आर ओसी लाइसेंस आर देता है खोलने का परमिशन आर देता है लेकिन बंद करने का यार लाइसेंस कैंसिल करने का पावर आरडी के पास है

या फिर अपने ही ऑब्जेक्ट का वायलेशन कर दिया या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है ठीक है या तो लाइसेंस का कंडीशन वायलेट किया या सेक्शन एट वायलेट किया अपने ही ऑब्जेक्ट का वायलेशन कर दिया फ्रॉड किया या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है पांच में से कोई भी कंडीशन ना तो आरडी के पास पावर है लाइसेंस कैंसिल कर दिया अब आरडी लाइसेंस करके कैंसिल करके करेगा क्या या तो इस कंपनी को अलाउ कर देगा कि भाई यू आर अलाउड टू ऑपरेट एज अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी बाय एडिंग द वर्ड पीवीटी एल जीडी और एलजीडी प्राइवेट कंपनी तो पीवीटीएलजीडी लगा पब्लिक कंपनी तो खाली एलटीडी लगा है ना <laughs> या फिर आरडी बोला नहीं यार ये तो फ्रॉड किया फाइंड अप कर सकता है या तो अलाउ इट टू ऑपरेट बाय एडिंग द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड या फिर ऑर्डर वाइंडिंग अप या ऑर्डर अमलगमेशन विद अदर सेक्शन एट कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट देखो आरडी हमारा मां-बाप हो गया बदमाश बच्चों का मां-बाप क्या करते हैं मां-बाप जो सजा, सजा देते हैं वैसे ही क्या करते हैं बताओ मम्मी पापा क्या करते हैं <laughs> बदमाश बच्चों के मां-बाप क्या करते हैं या तो उसको बोल देते हैं तेरे कैसे मार डालते हैं, माँ डालते हैं? कौन माँ डाला? वो था ना वास्ता मूवी में था ना संजय दत्त की माँ उसको मर्डर कर दी थी खुद ही मार दी थी क्योंकि बदमाश निकल गया था तो वही ऑर्डर या फिर पुराना डायलॉग है ना यार बच्चा बिगड़ जाता है तो शादी करा तो ठीक हो जाएगा शादी के बाद ठीक हो जाएगा शादी मतलब अमल अमल कमिशन विद अनदर सेक्शन कंपनी शादी अपने बिरादरी में होना चाहिए याद रहेगा सर जाहिर सभा आता है कोई भी ऑर्डर पास करने के पहले आरडी एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफिंग हर्ट देगा सामने वालों को सुनेगा मैनेजमेंट एसेट लाइबिलिटी नया कंपनी का अमल कंपनी का आरडी डिसाइड करेगा जब दो कंपनी का मर्जर होगा तो नया मैनेजमेंट कैसा होगा एसेट लाइबिलिटी कैसा होगा आरडी डिसाइड करेगा अच्छा सेक्शन एट कंपनी खुद से मान लो उसने कुछ वैलेशन नहीं किया सेक्शन एट कंपनी खुद से अमल कमीशन कर सकता है हाँ दूसरा सेक्शन एट कंपनी के साथ अमल कमीशन कर सकता है लव मैरिज अगर बोले कर सकता है बट दूसरा सेक्शन एट कंपनी मतलब लव मैरिज भी बिरादरी में होगा ये तो आपको फाइन वगैरह याद करना है अगर कुछ भी वैल्यूशन होगा कंपनी के ऊपर फाइन है दस लाख से एक करोड़ ऑफिसर एंड डिफॉल्ट के ऊपर फाइन है पच्चीस हजार से पच्चीस लाख कंपनी के ऊपर फाइन है दस लाख से एक करोड़ और ओ के ऊपर फाइन है पच्चीस हजार से पच्चीस लाख ठीक है एंड दे विल देर सेक्शन फोर फोर्टी सेवन क्लियर है कौन सा एट दोस्तों आज का हम लोग सेशन यहीं तक रखेंगे नेक्स्ट सेशन में यानी कल रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट कर देंगे बोलिए बोलिए जनाब नेक्स्ट सेशन यानी कल रिमेनिंग सेक्शन सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये जो 40 मिनट का पावर पैक सेशन था यूजफुल था कि नहीं 40 मिनट में तुमको कितना सारा प्रोविजन मैंने रिवाइज करा दिया कल मिलेंगे एक घंटा के लिए और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे चैप्टर नंबर टू कल पूरा कंप्लीट कर देंगे लगभग फिफ्टी फिफ्टी फाइव मिनट्स में ओके okay? चलो टिल देन कमेंट कर दो यार कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट कर दो लॉट्स ऑफ लव ठीक है बाय चैनल सब्सक्राइब